तो तुर्की में हुआ राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतों की गिनती में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमाल किलिकदारोग्लू दोनों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक हुई 96% मतों की गिनती में एर्दोगान को 49.44% मत मिले हैं, जबकि किलिकदारोग्लू को 44.86% मत मिले हैं। दोनों पक्षों ने चुनाव में आगे होने का दावा किया है और समय से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी है। अंकारा में समर्थकों को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा कि वो अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव दूसरे दौर में जाता है तो वो देश के फैसले का सम्मान करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि चुनाव पहले दौर में समाप्त हो गए हैं। अगर हमारे देश ने दूसरे दौर के लिए चुना है तो वो भी स्वागत योग्य है। वहीं केमल किलिकदारोग्लू ने संवाददाताओं से कहा कि अगर हमारा देश दूसरे दौर की बात करता है तो हम निश्चित रूप से दूसरे दौर में जीतेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज में बदलाव की इच्छा 50% से अधिक है। अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो पहले दौर के शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच 28 मई को निर्णायक मुकाबला होगा। और थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। आरंभिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फेव थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुत चनोचा से आगे चल रहे हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सेना ने 2014 में विद्रोह के बाद सत्ता संभालने पर संसदीय नियमों में परिवर्तन किया था। इन नियमों के अनुसार विपक्षी दलों को सेना समर्थक जुंटा नियुक्त सीनेट के सदस्यों सहित कई धड़ों का समर्थन जुटाना होगा। थाईलैंड में हाल के वर्षों में सैन्य विद्रोहों के बाद ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयुत चनोचा ने विद्रोह के बाद 2014 में एक बार फिर सत्ता संभाली थी। मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पीता लिमजारोन रात ने चुनाव परिणामों को सनसनीखेज बताया और वादा किया कि सरकार बनाते समय उनकी पार्टी सैन्य समर्थित पार्टियों का विरोध करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी फू थाई पार्टी के साथ बातचीत की मांग करेगी और गठबंधन पर समझौता करेगी। वहीं फू थाई की पार्टी पेंतोंगन टॉर्न शिनावात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि वे एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा ये केवल कल हुए मतदान के परिणाम से ही तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है।